हमारा डिपार्टमेंट इसी केस में लगा हुआ था। 90 लाख रुपए और 3 करोड़ से भी ज्यादा का कोकीन था, और मैंने तो अपनी जान पे खेल के। हाँ मैडम, सिद्धार्थ सर को ये इन्फॉर्मेशन अपने किसी लोकल इन्फॉर्मर से मिली थी। मैडम, क्या आप सिद्धार्थ सर से बात करना चाहेंगे? सर, विनीता टीवी न्यूज से। आज के बाद मेरे पुलिस स्टेशन में किसी भी आदमी ने मीडिया से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? यस सर। और हाँ कुमार, आइंदा से अगर किसी भी प्रेस वाले ने फोन किया तो मेरा मोबाइल नंबर दे देना। वो क्या है कि मेरी पब्लिसिटी हो, मैं स्टार बन जाऊं, लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमे तो मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिद्धार्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वो पैसे अंदर रख दिया। वो ड्रग रेड वाले नहीं, वो सारे पैसे खर्च कर डाले और सारा कोकेन। अरे सिद्धार्थ, अरे हाँ भाई, रख दिए हैं और क्या करता। पूरे 87 लाख हैं, गिन ले। और कोकेन का वजन भी ले लेना, क्या पता 1-2 ग्राम मैंने। सिद्धार्थ, 2 मिनट के लिए पुलिस वाले की तरह मत सोच और मेरा एक प्लान सुन। ये पैसे निकाल लेते हैं, सीधा चलते हैं स्विट्जरलैंड। लॉग हाउस बनाएंगे, गोरियां पटाएंगे, दारू शारू पिएंगे, माइंड ब्लोइंग, क्या बोलता है यार? तेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या हो गया यार? एक टाइम था मेरे बुरे से बुरे जोक पे हंसता था, और अब कब से हंसाने की कोशिश कर रहा हूं, नौटंकी कर रहा हूं, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं। जेम्स, ये पुलिस स्टेशन है और हम पुलिस वाले, ये कोई सर्कस नहीं है कि हमारे बात पे हा हा ही करें। और एक और बात समझ ले, अगली बार जब मैं फौज से बात करूं तो मुझे बीच में काटना मत। सिद्धार्थ, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं, और इतना तो जान गया हूं कि तू सोनिया के बगैर जी नहीं सकता। अरे मर जाएगा तू, तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती तुझसे। 3 महीने हो चुके हैं, हालत क्या बना ली है अपनी, देखा है तूने? देख दोस्त, जिंदगी में सिर्फ 2 चॉइस होते हैं, या तो जिंदगी हाथ पकड़कर जिस रास्ते पर चलना सिखाए उस रास्ते पर चुपचाप चलो, या तो जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील घुमाकर उस रास्ते पर लाओ जहां तुम खुद चलना चाहते हो। यू विल हैव टू चूज। तो सोनिया के बगैर जीना चाहता है या सोनिया के साथ? खत्म हो गई स्पीच, आइंदा मुझे भाषण मत देना। सोनिया, ये सूटकेसेस हॉल में क्यों है? ये घर की चाबी है और ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो मैंने अब तक भरा नहीं है। अगले हफ्ते तो भर देना, वरना बिजली कट जाएगी। कम ऑफ इट सोनिया, वही झगड़ा फिर से शुरू मत करो। रात के 12 बज चुके हैं, क्या हो गया है तुम्हें? होश आ गया मुझे सिद्धार्थ, नहीं चाहिए मुझे ये झूठ की जिंदगी, ये फरेब का जीना। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए सिद्धार्थ। सुबह से लेकर शाम तक मुझे बस उसी पल का इंतजार रहता है कि कब तुम अपनी चाबी से दरवाजा खोलोगे, इस घर में आओगे और मुझे अपने होने का एहसास दिलाओगे। मैं थक गई हूं सिद्धार्थ, आई वॉन्ट My life back। तुम्हें फिर से दोहरा पड़ा है ना, और फिर रात भर मुझे सुनाओगी कि मुझसे शादी करके तुमने कितना बड़ा बलिदान दिया है।
पर फरियाद जताओगी कि पुलिस की नौकरी छोड़ के इस घर की देखभाल करके तुमने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है ना? क्यों सोनिया, क्यों क्यों मुझे जलील कर रही हो और खुद जलील हो रही हो? जाओ, ये झगड़ा छोड़ो और ऊपर जाके सो जाओ। सारी उम्र पड़ी है लड़ने झगड़ने के लिए, और वैसे भी तुम चाहो ना तो तुम इस हालत में दोबारा पुलिस की नौकरी नहीं कर सकती हो। डैम इट सोनिया, यू आर प्रेग्नेंट, तुम मां बनने वाली हो। ग्रो अप। कितने अंधे हो चुके हो तुम सिद्धार्थ। पिछले दिनों से जो मेरी हालत है तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? क्या हुआ है तुम्हें? हाँ सिद्धार्थ, मैंने अबॉर्शन करवा लिया है। अबॉर्शन? हाँ अबॉर्शन, और इसके जिम्मेदार भी तुम हो। मैं जानती थी तुम मुझे मां बनाकर मेरे हिस्से की आजादी छीनना चाहते थे, मेरे मासूम बच्चे को इस घर का चौकीदार बनाकर मुझे इस घर में कैद करके रखना चाहते थे तुम। इसलिए मैंने अपने बच्चे को मार डाला। I killed my own child. I killed my own child because of you. I killed my child. निकल जाए यहां से। Get out from my house. Get out from my house! Leave right now. Get out! Get out! Just get out! मैं बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं वापस आऊं तुमने कर जाओ इस घर से।